वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मॉर्निंग की साफ़ सफाई और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ और अब जा रही हूँ लंच बनाने। तो आज मैं लंच में बनाऊँगी कढ़ी वाले पकौड़े की रेसिपी। और वो कढ़ी वाले पकौड़े आज हम बेसन से नहीं बनाएंगे बल्कि मसूर दाल से बनाएंगे, लाल वाली दाल से बनाएंगे। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप के करीब मसूर दाल ले लिया है। बहुत जगहों पे इसे लाल वाली भी बोला जाता है। और इसे बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसे पानी से 2-3 बार अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेंगे। तो दाल को मैंने 2 बार अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद हम इसे 1 बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम इसे सोख होने के लिए रख देंगे। तो हमें इसे 5 से 6 घंटे के लिए सोख करना है ताकि दाल हमारा अच्छी तरह से फूल जाए। तो इसे ढककर हम साइड में रख देते हैं और 5-6 घंटे हो गए हैं और सुबह मैंने इसे डाल दिया था मॉर्निंग में ही। और आप देख सकते हैं कि दाल हमारा अच्छी तरह से फूल कर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे पीस कर रेडी कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बिना पानी डाले इसे दरदरा सा पीस कर रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने दाल को पीस कर रेडी कर लिया है। बिल्कुल इस तरह से दाल को पीस लेना है और अब हम इसे 1 अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे रख देंगे साइड में और चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो यहाँ मैंने ले लिया है दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और अब हम दही को 1 बार अच्छी तरह से दल घोटनी से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसे रखते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस ऑन करके मैंने एक पैन ले लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा तेल। तो 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ सरसों तेल लिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आप देख सकते हैं कि सरसों तेल में धुआँ आने लगा है, तो इसका मतलब तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 तेज़पात, 1 लाल मिर्च और यहाँ ऐड कर दिया है मैंने थोड़ा सा राई, थोड़ा सा मेथी दाना, इसके साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा करी पत्ता और यहाँ मैंने ऐड किया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दें। और डालने के बाद 1 बार हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 छोटा सा प्याज मैंने लिया था और उसे लंबे लंबे टुकड़ों में बारीक काट लिया है और इसके साथ ही डाल देंगे हींग। हींग डालने के बाद अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही प्याज को हल्का फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना है, प्याज में थोड़ा सा क्रंचीनेस रहना चाहिए। तो 1 मिनट के लिए मैंने प्याज को भून लिया है और अब हम यहाँ ऐड कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। इसके साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक। इन सबको 1 बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ ऐड कर दूँगी पानी। तो यहाँ मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाला है और पानी डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे फेंटा हुआ दही। पानी डालकर दही डालने से ये होगा कि दही फटेगा नहीं, नहीं तो गरम गरम में दही डालने से कई बार दही फट जाती है तो फिर हमारी कढ़ी अच्छी नहीं बनती। तो इसलिए थोड़ा सा पानी डालें और पानी डालने के बाद दही डालें ताकि दही फटे ना। और इसके साथ ही अब मैं यहाँ ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब मैं यहाँ ऐड कर दूँगी स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और नमक और हल्दी डालने के बाद 1 बार हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। तो यहाँ मैं 2 चम्मच के करीब बेसन ऐड करूँगी और बेसन डालकर हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ मीडियम ही रखा है और लगातार चलाते रहने से बेसन आसानी से इसमें घुल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और गुठली भी नहीं पड़ेगी।
और आप देख सकते हैं कि बेसन यहाँ अच्छी तरह से दही में घुल चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें बॉयल आने देंगे। तो जब तक कढ़ी बॉयल होती है हम पकौड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो जो दाल हमने पीस कर रखी थी उसे हमें अच्छी तरह से फेंटना है। आप चाहें तो चम्मच से फेंट लें या फिर इसे हाथों से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो 5-10 मिनट के लिए हम इसे हाथों से अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि दाल पकौड़ी हमारी सॉफ्ट बने। और यहाँ मैंने हाथों से इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसे हम चेक कर लेते हैं। एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और पानी में दाल को डालकर देखेंगे। अगर दाल ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब दाल अच्छी तरह से फिट चुका है और ये इसकी पकौड़ी काफ़ी सॉफ्ट बनेगी। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसके साथ ही डाल देंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ ऐड कर देंगे 1 पिंच ऑफ हींग। हींग डालने के बाद अब मैं यहाँ ऐड कर दूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। और इसके साथ ही ले लेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने, और इसे भी मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में बारीक काट दिया है। और प्याज डालने के बाद अब हम इन सबको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है पकौड़े बनाने के लिए। तो पकौड़ी बनाने से पहले हम एक बार कढ़ी को चेक कर लेते हैं। कढ़ी भी बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसे एक बार हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे कढ़ी में बॉयल आने देंगे। तो कढ़ी को हम बॉयल होने देते हैं। कढ़ी पकेगा तब तक हम पकौड़े तल कर रेडी कर लेते हैं। तो गैस ऑन करके मैंने तेल पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए, और तेल हमारा गर्म हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो तेल यहाँ अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम थोड़ा छोटा छोटा पकौड़े डाल देंगे इसमें। आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी इसमें डाल सकते हैं। और एक बार में कढ़ाई में जितने पकौड़े आएंगे हम उतने पकौड़े डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे टर्न करके दूसरे साइड से भी हम पकौड़े को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। सेम बिल्कुल नॉर्मल पकौड़े की तरह हम फ्राई करेंगे इसे। बस ध्यान ये रखना है कि इसे हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से पक जाएगा, कुरकुरा हो जाएगा। तो ये पकौड़े को हम मीडियम फ्लेम पर ही आराम से फ्राई करेंगे ताकि पकौड़ा हमारा अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए और क्रिस्पी होने तक हम इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा पकौड़ा फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। और सेम इसी प्रोसेस के साथ हम बाकी पकौड़े को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये पकौड़ा खाने में। और अपने एक बार हम अपना कढ़ी चेक कर लेते हैं। कढ़ी में अच्छा बॉयल आ चुका है। तो हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना पकौड़ा जो हमने अभी फ्राई करके रेडी किया था। पकौड़े डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम इसे 5 मिनट के लिए और बॉयल होने देंगे पकौड़े के साथ कढ़ी को, ताकि पकौड़ा कढ़ी को अच्छी तरह से सोख ले। और बस इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है और ठंडा होने के बाद ये तो थोड़ा गाढ़ा और रेडी हो जाता है कढ़ी। तो गैस की फ्लेम को हम अब बंद कर देंगे। बंद करके हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ढक देंगे इसे। बस हमारा कढ़ी बनके यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं पकौड़े भी फूल कर रेडी हो चुके हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। और अब हम इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ टेस्टी सा कढ़ी पकौड़ा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस पे थोड़ा सा हम गार्निश के लिए हरा धनिया पत्ता यूज़ करेंगे। और यहाँ कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। आई होप कि आपको आज की ये कढ़ी पकौड़े की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप देख सकते हैं पकौड़े कितना सॉफ्ट बना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।